बुलंदशहर में पशु लुटेरों से पुलिस की दिन दहाड़े मुठभेड़, दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग। पुलिस की गोली से दो लुटेरे घायल, पुलिस ने घेराबंदी कर तीसरा लुटेरा भी किया गिरफ्तार। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पशु लूटने की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है गिरोह। गिरोह के सरगना अकबर पर दो दर्जन से अधिक गंभीर मामले बताए जा रहे हैं दर्ज। आरोपियों से लूटी गई दो भैंस। ये थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना शिकारपुर की पुलिस को बीती रात मुखबिर के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई कि बोलेरो मैक्स पिकअप वाहन पर कुछ अज्ञात व्यक्ति भैंस लादकर खुर्जा की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर शिकारपुर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग आरंभ की गई। उक्त वाहन को देखते ही जब शिकारपुर थाने की पुलिस द्वारा उक्त वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, वाहन पर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग आरंभ कर दी गई। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा भी उक्त व्यक्तियों पर फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्तियों के पैर में गोली लगी एवं अन्य एक तीसरे व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही व्यक्तियों ने पूछताछ के क्रम में जनपद बुलंदशहर के थाना शिकारपुर, थाना ककोड़, थाना अहमदगढ़, थाना बहासू आदि थाना क्षेत्रों में उनके द्वारा कारित की गई भैंस लूट एवं चोरी की विभिन्न घटनाओं को स्वीकार किया गया है। साथ ही उनके पास से थाना शिकारपुर से लूटी गई दो भैंस, दो भैंस के बच्चे एवं जिस वाहन से लूट की घटना कारित की गई थी, उक्त बोलेरो मैक्स पिकअप वाहन को भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। साथ ही उक्त तीनों ही व्यक्तियों से दो नाजायज तमंचे, एक अदद चाकू भी बरामद किए गए हैं। तीनों ही व्यक्तियों द्वारा पूछताछ के क्रम में अपने कई अन्य साथियों के भी नाम बताए गए हैं, जिसपे हमारी पुलिस टीम लगातार काम कर रही है। इन तीनों ही व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।